हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ मिनाज और आज की वीडियो में हम जा रहे हैं वैन आइलैंड। आपको मैं वैन आइलैंड की टूर कराऊंगी और क्या है चीज़ वहां पे वो भी दिखाऊंगी। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। सो गाइस, वी आर एट ब्लेंसक्रोना। ब्लेंसक्रोना में है और हम लोग जा रहे हैं वैन आइलैंड। और हम लोग ने हमारी फेरी जो है वो मिस कर ली है। उसके लिए 10 मिनट्स पहले आना रहता है और लाइन में लगना रहता है, जबकि हमने बुकिंग की थी फिर भी उन्होंने नहीं लिया और हम लोग 2 मिनट पहले पहुँचे थे। सो इफ़ यू आर कमिंग प्लीज़ कम अर्ली, तो ही आपको अंदर लेंगे, नहीं तो आपको नेक्स्ट फेरी के लिए वेट करना पड़ेगा, जो होती है कुछ 1.5 घंटे का फ़र्क होता है, तो आपको यहीं पर टाइम पास करना पड़ेगा तब तक। सो प्लीज़ ट्राई टू कम अर्ली, हमारी जैसी गलती नहीं करना। अभी हम सोच रहे हैं कि थोड़ा लेंसक्रोना ही घूम ले सिटी के अंदर। अभी हमारे पास और 1.25 घंटा है, तो हम यहीं पे कुछ चीज़ें देख लेंगे एंड देन विल गो टू वैन आइलैंड। तो आइलैंड के लिए फेरी पकड़ने के लिए ये वाला बस स्टॉप है, लेंसक्रोना स्टेप डाउन, यहाँ पे उतरना है। और यहाँ पे बसेस, ये इलेक्ट्रिक बस है, ये इलेक्ट्रिक। तो मालमो से लेंसक्रोना को 30 मिनट्स लगता है। मालमो सेंट्रल से ट्रेन आती है लेंसक्रोना तक और 30 मिनट्स में आप लेंसक्रोना आ जाओगे। और लेंसक्रोना से आपको फेरी स्टेशन पे आने के लिए कुछ 10 मिनट्स लगती है और वहाँ से फेरी को वैन जाने तक 30 मिनट्स लगती है। तो ये टोटल 1 आवर 10 मिनट्स का ट्रैवल होता है। एंड आफ्टर रीचिंग टू वैन आप बाइसिकल हायर कर सकते हो। आप यहाँ से भी कार वगैरह लेके जा सकते हो फेरी में और उसका अलग से पास लेना रहता है। और उसकी बुकिंग जो है आप उसकी वेबसाइट है वैन ट्रैफिक इन, वहाँ से उसकी बुकिंग भी कर सकते हो। तो उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। हमारी फेरी आ चुकी है एंड वी आर अबाउट टू लीव। और जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा ही रश है बिकॉज इट्स समर टाइम और समर टाइम में लोग जो है आइलैंड विज़िट करते हैं एंड दे गो फॉर पिकनिक, वॉकिंग और बाइकिंग। और तो ये सब चीज़ जो है लोग यहाँ पे समर में करते हैं। और ये जो आइलैंड है इट्स बिटवीन स्वीडन एंड डेनमार्क और इसको जो है ओरेसुंद ओशन का यू नो पर्ल भी कहा जाता है। Look down. सो गाइज, हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं वैन आइलैंड। जैसे कि आप देख सकते हो ये बहुत ही छोटा सा आइलैंड है, कुछ इसका 7.5 किलोमीटर स्क्वायर जितना एरिया है। और यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो सिर्फ 371 इनहेबिटेंट्स है, मतलब यहाँ पे लोग ज़्यादा रहते नहीं है, बस ऐसे सीजनल लोग आते हैं घूमने के लिए एंड देन वापस चले जाते हैं। एंड ये जो है स्वीडन का पार्ट है, पहले ये डेनमार्क का हुआ करता था बट अब स्वीडन का है एंड जो लेंसक्रोना कम्यून है उसमें आता है ये पार्ट। तो हम लोग पहुंच गए हैं वैन आइलैंड और पीछे दो बसेस दिख रही है और कुछ कुछ स्टॉप्स पे जाती है, लेकिन बाइसिकलिंग करना इज़ गुड ऑप्शन, तो आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो आइलैंड को। और यहाँ पे रेंटल बाइसिकल भी मिलती है, तो हम लोग बस अभी वही लेने जा रहे हैं। तो वैन आइलैंड पे येलो कलर की बाइसिकल बहुत टिपिकल है और ये हमने ऑनलाइन ऑलरेडी बुक की थी और ये मिली बाइसिकल।
और जो बुकिंग वाले हैं वो लोग के लिए छोटी लाइन है, जिसने बुक नहीं किया उसके लिए बहुत लंबी लाइन है। बहुत सारे टाइप की बाइसिकल्स है ये लोग के पास, ये ऐसी केबिन कार भी आप ले सकते हो, उसमें सिर्फ दो लोग अलाउड रहते हैं। और एक बाइसिकल आती है विद नो किड्स सीट, जिसका बच्चे को बिठा सकते हो। एक वैगन वाली भी आती है जिसमें आप सामान भी रख सकते हो। तो देर आर मैनी ऑप्शंस टू सिलेक्ट। तो आई वुड सजेस्ट कि वो लोग की वेबसाइट से अपना बाइसिकल भी बुक कर ले अगर आप साइकिलिंग करना चाहते हैं, तो थोड़ा ईजी हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। फ्रॉम वेयर वी गॉट? तो हमारा फर्स्ट स्टॉप है टाइको ब्राहे म्यूजियम, और यहाँ पे हम बहुत अंदर नहीं गए थे देखने के लिए बिकॉज़ हमारे पास टाइम कम था, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग म्यूज़ियम हो सकता है जिसको एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट हो, बिकॉज़ ये एक 16th की सदी का ऑब्जर्वेटरी रिसर्च सेंटर हुआ करता था। यहाँ पे जो टाइको ब्राहे करके जो एक एस्ट्रोनॉमर है, डेनिश एस्ट्रोनॉमर, उसने रिसर्च की थी और उसने थियोरी ऑफ यूनिवर्स बनाया था। उसके अकॉर्डिंगली जो है अर्थ जो है वो सेंटर में है और सन उसको रोटेट करता है, ऐसा उसका इनिशियल थियोरी था। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग म्यूजियम, और उसने अंडरग्राउंड ऑब्जर्वेटरी बनाई है एंड उसने बहुत सारे स्टार्स को लोकेट किया था। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री। और वही एरिया के पास ना आपको बहुत सारे ना रैपसिड फील्ड्स दिख जाएंगे। एक्चुअली सरसों जैसा हमारे इंडिया में होता है सरसों का तेल बनाते हैं, वैसा यहाँ पे रैपसिड का ऑयल बनाते हैं। तो ये इट्स वेरी टिपिकल, यू नो स्वीडन में ये बहुत आपको देखने मिलेंगे, विच इज़ रिसेम्बल्स स्वीडिश फ्लैग एक्चुअली, येलो एंड यू नो ब्लू स्काई, तो इट्स रिसेम्बल द फ्लैग। और वहाँ पे बहुत सारे फार्म्स है, प्राइवेट फार्म्स है एक्चुअली, वहाँ पे हॉर्सेस है, गोट्स रहती है एंड वेरी थोड़ा मतलब नेचर के बीच में, इट फील्स गुड। एंड यू विल सी ओल्ड हाउसेस, समर हाउसेस एंड कैफेज, तो बहुत ही अच्छी यू नो वाइब्स आती है वहाँ पे जाके। All for the love of you. Looks so beautiful. Arish is hiding behind. Oh. Now we are going towards the beach. बहुत ही beautiful beach है and the route is so scenic. मतलब बहुत ही beautiful लग रहा है पूरा। वो अलग बात है कि बाद में हम थक जाने वाले हैं, लेकिन it's worth the visit. और भले पैर रुकते बाद में, but cycling करके जो आप explore कर सकते हो वो I don't think so कि आप car में you know या island को explore कर सकते हो। and there are you know many places जहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे रोड है, तो थोड़ा वहाँ पे साइकिलिंग करना बम्पी रोड है मतलब, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था, बट वी मैनेज्ड somehow. So many mailboxes all together. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Thank you.
किसी को सजेस्ट करो के आने के लिए? Yes, of course. बहुत ब्यूटीफुल है. लेकिन सजेस्ट तो करेंगे. लेकिन लेकिन कुछ नहीं है. ओल्ड एज लोग का प्रॉब्लम होगा. देखो ये है जंगल. नहीं जंगल ही बोल सकते. फार्म खेत है ये खेत. वाला स्कूटर भी ले सकते हैं. बाइक तो यहाँ पे और एक बीच है और बीच है प्लस यहाँ पे ना एक फ़िशिंग पोर्ट भी है. मतलब यहाँ पे लोग बहुत सारे ना प्राइवेट अपनी बोट्स वगैरह लेके आते हैं एंड दे डू फिशिंग. और बहुत सारी मुझे यहाँ पे डेनमार्क की यू नो बहुत सारी दिख रही है बोट्स. और क्योंकि वो लोग फ्लैग लगाते हैं तो इट्स वेरी क्वाइट विजिबल. और बहुत सारे अलग अलग सारे जो भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के फ्लैग्स भी मुझे दिख रहे हैं ऐसे लगाए हुए. जैसे जर्मनी का भी मुझे दिख रहा है एंड बाकी स्कैंडिनेवियन कंट्री का. और यहाँ पे आपको बहुत सारे कैफ़ेज़ और ना छोटे छोटे स्टोर्स मिल जाएंगे. अब अगर आपको कुछ खाना हो तो आप यहाँ से ये वाले जगह से खा सकते हो एंड कुछ टॉयज़ भी मिल जाएंगे इफ़ यू वॉन्ट टू बाई समथिंग. और ये है बीच. बट हमें यहाँ का बीच अच्छा नहीं लगा था. लाइक इतना क्लीन नहीं था तो हम वापस से वो पहले वाले बीच की तरफ गए एंड वहाँ पे आरिश ने जो है एंजॉय किया काफ़ी सारा पानी में. और ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे क्योंकि समर का टाइम है. आपको एक से एक अच्छे अच्छे फ्लावर्स देखने मिलेंगे यहाँ पे. लुक एट द व्यू. और ये बहुत ही पुराना चर्च है 13th century का. और बहुत फेमस है वेडिंग के लिए. यहाँ पे लोग शादी करने आते हैं एंड इट्स क्वाइट पॉपुलर. अदर देन साइकिलिंग आप यहाँ पे हाइकिंग भी कर सकते हो. अल्पाका हाइकिंग इज़ वेरी फेमस हियर. एक एनिमल है क्यूट सा. उसको देखने के लिए लोग ऊपर जाते हैं छोटे छोटे जो माउंटेन है हिल्स है वहाँ पे. एंड यू कैन ऑल्सो प्ले गोल्फ हियर.
सो ये थी हमारी नेचर आउटिंग और हमने कुछ 7 आवर्स यहाँ पे स्पेंड किए. 11 बजे की फेरी से हम आए थे, अभी 6 बजे की फेरी से हम वापस जा रहे हैं. एंड दिस टाइम वी आर सिटिंग इनसाइड और बहुत ही मज़ा आई एंड टायरिंग भी था, बट इट वॉज़ अ गुड डे. और आई होप आपको भी अच्छी लगी होगी आज की वीडियो. अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको स्वीडिश नेचर कैसा लगा. तो आपसे मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.